Respected listeners and dear students, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Let's learn. Let's start the reading of chapter number 5 from page number 63. Page number 63 पे हमारा टॉपिक है आज का हाउ टू प्रिंट द इमेज. पहले हमने इमेज को ड्रा करना सेव करना सीखा. आज हम सीखेंगे किस तरह से प्रिंट किया जा सकता है किसी भी इमेज को. प्रिंट कमांड इज यूज टू टेक प्रिंट आउट्स ऑफ योर ड्राइंग्स ऑन अ पेपर. यानी आप हार्ड कॉपी अगर इसको लेना चाहते हैं किसी भी पेपर पर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कमांड को हम यूज़ करते हैं. टू टेक प्रिंट आउट्स फॉलो द गिवन स्टेप्स. प्रिंट आउट्स के लिए आपके यानी प्रिंट करने के लिए हम ये कमांड फॉलो करेंगे. क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पेंट बटन. माइक्रोसॉफ्ट पेंट बटन पर ही क्लिक करेंगे और इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे. सेलेक्ट एंड क्लिक प्रिंट. अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपियर. तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स है ये अपियर हो जाएगा. टाइप द नंबर ऑफ द कॉपीज यू वांट टू प्रिंट. यू मे चूज अदर ऑप्शन आल्सो. यहाँ से आप जितनी भी कॉपीज आप चाहते हैं इस इमेज की 1, 2, 3 जितनी भी यहाँ पे आप यहाँ से आप भी कर सकते हैं. इसको ऑन डाउन भी आप डाउन करते जाएँ तो कॉपीज़ की तादाद बढ़ती जाएगी. और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं यहाँ पर जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने पेजेस आपने प्रिंट करने हैं किस टाइप के पेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पेज किस पेज पे आपने प्रिंट आउट लेना है. बाय क्लिकिंग अप्लाई एंड देन प्रिंट बटन द मैसेज विल बी डिस्प्लेड एंड यू कैन टेक द प्रिंट आउट्स. यानी आप जब इस पर अप्लाई कर देंगे इसको तो आपका जो है ये प्रिंट होने का काम शुरू हो जाएगा और आपकी जो इमेज है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट योर पिक्चर्स एज द डेस्क टॉप बैकग्राउंड. यानी आपने जो पिक्चर बनाई है जो ड्रा किया उसको आप बैकग्राउंड में किस तरह लगा सकते हैं. यू कैन सेव एंड सेट योर पिक्चर ऑन डेस्क टॉप बैकग्राउंड. यानी आपका जो PC है जो आपका लैपटॉप है या जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसकी डेस्क टॉप है यानी जो पहली आपके पास स्क्रीन ओपन हो विंडो ओपन होने के बाद यानी ऑन होने के बाद आती है डेस्क टॉप पर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं. To set a picture as a desktop background, follow the given steps. Draw the image of your choice and save it. आप जो भी इमेज ड्रा करना चाहते हैं आप उसको ड्रा कीजिए और उसको सेव कर लीजिए जो तरीके पहले आपने देखे हैं उसके अकॉर्डिंग. क्लिक ऑन पेंट बटन. पे पेंट बटन पे क्लिक करें. सेलेक्ट क्लिक द सेट एज डेस्क टॉप ऑप्शन. यहाँ पे सेट एज डेस्क टॉप ऑप्शन है इस पर क्लिक करें. अ सब मेन्यू अपीयर्स. एक सब मेन्यू यानी इस मेन्यू के बाद एक और मेन्यू छोटा सा ओपन हो जाएगा. ये चीज़ यहाँ से आप चूज एनी ऑफ थ्री ऑप्शंस. इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक पे क्लिक कीजिए. टाइटल और सेंटर. यानी आपने क्या करना है सेंटर में सिर्फ पिक्चर रखनी है डेस्कटॉप पे या पूरी आपकी बिखरी हुई पिक्चर हो यानी पूरे डेस्कटॉप पे आई हुई हो या फिर सिर्फ सेंटर में. योर पिक्चर विल बी सेट एज डेस्क टॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. यानी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके डेस्क टॉप पर यह पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी. क्लिक शो डेस्क टॉप बटन ऑन द राइट साइड कॉर्नर ऑफ द टास्क बार यू सी द डेस्क टॉप. यानी आप फिर उसके बाद शो डेस्क टॉप करेंगे यहाँ पर राइट साइड पर आपकी ऑप्शन होता है कॉर्नर पर टास्क बार के यहाँ पर आप फिर इसको इस तरह से देख सकते हैं. यू ये आपकी डेस्क टॉप की पोजिशन हो जाएगी इमेज अप्लाई करने के बाद. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटलाइन. कि आप आउटलाइन किस तरह से दे सकते हैं किस तरह से चेंज कर सकते हैं किस किस्म की आउटलाइन आप रख सकते हैं. यू कैन आल्सो ड्रा शेप्स और इमेजेस बाय यूजिंग डिफरेंट आउटलाइंस. द आउटलाइन कमांड इज प्रेजेंट इन द होम टैब. होम टैब के अंदर ये आउटलाइन कमांड मौजूद है. होम टैब को पहले क्लिक करेंगे उसके बाद आप आउटलाइन पर जाएंगे. टू यूज़ अ डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट आउटलाइन स्टाइल्स. यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं आउटलाइन स्टाइल्स यहाँ से क्लिक कर सकते हैं आप. फॉलो द गिवन स्टेप्स. होम टैब पे क्लिक करें फिर उसके बाद आप जो शेप फ्रॉम शेप ग्रुप जो शेप ग्रुप पे मौजूद है वहाँ पे एनी शेप कोई भी शेप उस पर आप क्लिक कर सकते हैं. मूव द माउस पॉइंटर टू आउटलाइन कमांड. इसको आप माउस को मूव करें माउस पॉइंटर को आउटलाइन कमांड के लेके जाएं. यहाँ आ ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. सेलेक्ट द आउटलाइन विद विच यू वॉन्ट टू ड्रा द शेप. यानी यहाँ से आप कोई भी कौन सा है सिलेक्ट कर सकते हैं आउटलाइन जो भी आप जिस भी तरह से आप शेप करना चाहते हैं उसको ड्रा करना चाहते हैं. यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है सॉलिड कलर क्रेयॉन्स मार्कर ऑयल नेचर पेंसिल वाटर कलर. ये डिफरेंट आपके पास इस तरह से ड्रा हो जाएंगे. यानी आप सॉलिड कलर करते हैं तो यूँ आपको जो भी कलर यहाँ से आपने सेलेक्टेड कलर है उसकी उस कलर में आपकी इस तरह से ये स्टार की आउटलाइन बन गई. क्रेयॉन्स करेंगे तो ये थोड़े थोड़े ऐसे यूँ लाइट लाइट जैसे क्रेयॉन्स हम कलर करते हैं उस तरह की आउटलाइन है. ये मार्कर से यूँ आ जाएगी ऑयल से थोड़ी सी डिस्पर्स सी है
नेचुरल पेंसिल से, थोड़ी सी मध्यम सी या वाटर कलर से भी इस तरह से आपकी आउटलाइन ड्रा हो जाएगी। ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रा द शेप। माउस पॉइंटर को आप ड्रैग करें जो भी शेप आपने ड्रा करनी है उस शेप में, यानी यहाँ से आपने स्टार सेलेक्ट किया तो आउटलाइन सेलेक्ट की, फिर आउटलाइन का कलर सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे शेप ड्रा हो गई थी डिफरेंट कलर में, जो भी कलर आपको चाहिए। नेक्स्ट है फिल। आप किस तरह से कलर फिल करेंगे? फिल कमांड के जरिए। दिस कमांड इज प्रेजेंट इन द होम टैब। यू कैन फिल कलर्स इन कलर्स इन द शेप्स बाय यूजिंग फिल कमांड। जो भी आपने शेप बनाई है उसके अंदर आप फिल कर सकते हैं कलर्स फिल कमांड को यूज़ करते हैं। टू फिल द कलर डिफरेंट स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप डिफरेंट जो है स्टाइल से कलर से इसको फिल अप कर सकते हैं कोई भी शेप। होम टैब पे क्लिक करें, शेप ग्रुप्स के अंदर जो भी शेप आपने ड्रा करनी है उस पर क्लिक करें। देन ड्रैग द पॉइंटर, ड्रैग द शेप, आप शेप बना लें, फिर उसके बाद आपने यहाँ से फिल कमांड पर जाना है। ये है आपकी फिल कमांड, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और देन उसके बाद आप कोई भी कलर जो सा है यहाँ से चूज़ करें। चूज़ करने के बाद आप शेप के अंदर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो फिल आउट हो जाएगा। एडिट कलर्स, किस तरह से कलर्स को एडिट किया जा सकता है? कुछ कलर्स मौजूद हैं और कुछ कलर जो से आप खुद से भी बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। किस तरह से एडिट कलर कमांड इज प्रेजेंट इन द होम टैब। यू कैन चूज डिफरेंट कलर्स फ्रॉम दिस ग्रुप। इस ग्रुप से आप डिफरेंट कलर जो सा है वो चूज कर सकते हैं। टू चूज द कलर फ्रॉम द एडिट ग्रुप फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक होम टैब, होम टैब को क्लिक करें, सेलेक्ट एनी शेप फ्रॉम शेप ग्रुप्स और ड्रा इमेज। क्लिक ऑन फिल विद कलर इन टूल ग्रुप्स, क्लिक एडिट ग्रुप्स। यानी हमने पहले होम टैब को क्लिक करना है, उसके बाद शेप ग्रुप में जाके कोई भी शेप या इमेज ड्रा करना है, फिर उसके बाद फिल विद कलर में आएंगे जो कि टूल ग्रुप में मौजूद है। इसके बाद आप यहाँ से एडिट कलर्स में चले जाएंगे, यहाँ कलर ग्रुप में मौजूद है एडिट कलर, यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास ये एक पेंट विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह से यहाँ से कोई भी इमेज आप इस चीज़ को अप डाउन करके फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपका फिफ्थ स्टेप है, सेलेक्ट एंड क्लिक द कलर ऑफ योर चॉइस। जो भी आप कलर चूज करना चाहें वहां से सेलेक्ट कर लें, क्लिक ओके। क्लिक एनीवेयर इनसाइड द इमेज, द इमेज गेट विल गेट फिल्ड विद द सेलेक्टेड कलर। जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ ये इमेज कौन सा है फिल हो जाएगा, जो भी आपके आपका डिजायर्ड कलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास की टर्म्स है, क्लिप बोर्ड, फ्लिप, रोटेट। इसको यहाँ से यहाँ लर्न करेंगे। एक्सरसाइज है, चूज करना है आपने ऑप्शन कोई करेक्ट। फ्लिप और रोटेट कमांड आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप, इमेज ग्रुप। यहाँ से इमेज ग्रुप में है ये। डैश कमांड इज यूज टू टेक प्रिंट आउट्स ऑफ योर ड्राइंग्स, तो प्रिंट कमांड है वो। व्हेन यू कट अ पार्ट ऑफ योर ड्राइंग इट इज टेम्पररीली स्टोर इन डैश क्लिप बोर्ड। डैश मीन्स टू टर्न द इमेज अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, रोटेट। फ्रेम द ब्लैंक्स, फर्स्ट ब्लैंक है। द डैश ऑप्शन इज यूज टू मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सेलेक्टेड पार्ट ऑफ ड्राइंग, तो ये कॉपी ऑप्शन है। द डैश ऑप्शन इज यूज टू सेव द इमेज, सेव एज। यहाँ से डैश एंड डैश आर टू टैब्स इन द रिबन, व्यू एंड होम। इसको आप आगे पीछे कर लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। The dash option can be used to delete a part of drawing crop. Next tick cross dekhenge jo correct hai, tick the correct and cross the wrong ones. You cannot resize an image in paint, to ye cross hai, galat statement hai. Print command is used to take print outs of your drawings, to ye correct hai. You can easily cut, copy and paste an image, yes, ye tick hai. Edit colors command is not present in color groups, cross, ye galat hai. कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर प्रेजेंट इन क्लिप बोर्ड ग्रुप, तो ये टिक है, ये एक दुरुस्त है चीज। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिव। ई है मैच द फॉलोइंग। आप यहाँ पे शेप्स हैं डिफरेंट और यहाँ पे इनके नेम्स हैं, तो आपने मैच करना है। फर्स्ट शेप आपकी क्या है? ओवल। ओवल के साथ इसको मैच करेंगे। सेकेंड शेप है लाइन। थर्ड शेप है हमारी कॉल आउट। फोर्थ वन है कर्व। इसमें छोटा सा कर्व बना हुआ है, ऐसे हम है तो ये कर्व है। ये बकेट जो बनी हुई है कलर्स वाली, तो ये है फिल विद कलर। नेक्स्ट रबर बना हुआ है, अरेजर है, अरेजर। ये ए हमेशा जहाँ पे भी लिखा होगा इसका मतलब टेक्स्ट होता है, कैपिटल ए, तो ये टेक्स्ट पे जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द जंबल वर्ड्स। ये वर्ड्स जो मिक्स हुए हैं इनको आपने अरेंज करके लिखना है।
फर्स्ट वर्ड बनेगा जूम, जेड जी डबल ओ एम जूम। नेक्स्ट वर्ड आपका बनेगा कॉपी, सी ओ पी ओ कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है सी यू टी कट। नेक्स्ट है एफ एल आई पी फ्लिप। नेक्स्ट वर्ड है रोटेट, आर ओ टी ए टी ई रोटेट। नेक्स्ट हमारे पास है नेम द कमांड्स टू व्यू द ड्राइंग ऑन द फुल स्क्रीन, तो वो कमांड है फुल स्क्रीन। नेक्स्ट है जो कि होती है राइट कॉर्नर पे, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर पे टास्क बार के। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपी कमांड, कॉपी कमांड क्यों यूज होती है? इट इज़ यूज टू मेक कॉपीज ऑफ जो भी आपके पास एग्जिस्टेड फाइल है, कॉपीज ऑफ एग्जिस्टेड फाइल, जो भी आपके पास फाइल्स मौजूद हैं उनकी कॉपी के लिए। नेक्स्ट है राइट द यूज ऑफ फॉलोइंग कमांड, इन कमांड की आपने यूजेस लिखने हैं, क्या है? जूम इन, जूम इन क्यों यूज होता है? जूम इन यूज फॉर शोइंग द बिगर इमेज। जूम आउट इज यूज फॉर शोइंग द स्मॉलर इमेज, इमेज को हम स्मॉल करके देते हैं। ग्रिड लाइन्स क्या होती हैं? ग्रिड लाइन्स अलाइनमेंट के लिए यूज होती हैं, टू अलाइन द इमेज। रूलर क्यों यूज होता है? टू स्केल द पेज और इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव योर ड्राइंग, यानी ड्राइंग को सेव करने के लिए कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो वो स्टेप्स हैं इमेज को सेव करने के लिए, जो क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट पेंट बटन, क्लिक सेलेक्ट एंड क्लिक सेव एज ऑप्शन, एज अ सब मेन्यू, अ सब मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। थर्ड है यू चूज एनी ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट टू सेव योर फाइल, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। क्लिक द फाइल नेम यू वॉन्ट टू गिव योर इमेज और फोर